एक्चुअली आपकी धन्यवाद अदित जी। अदित जी आज दलितों के उत्पीड़न पर चर्चा हो रही है देश की संसद में, और अदित जी मैं इस मौके पर देश के किसी भी कोने पर न केवल दलित भाइयों पर बल्कि दलितों के साथ साथ समाज के किसी वर्ग में अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है तो उस बात को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से मैं उसकी मुंहतोड़ निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं, भर्त्सना करता हूं। जहां तक अध्यक्ष जी इन घटनाओं का सवाल है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, चाहे बेमुला की घटना हैदराबाद की रही हो, चाहे गुना की घटना हो या और तमाम घटनाएं हैं, बुलंदशहर के लिए जो हो सकता है वो सरकार कर रही है, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। कोई डिस्टर्ब नहीं करे अध्यक्ष जी, प्लीज अध्यक्ष जी। आज मैं सुन रहा था तमाम सत्ता पक्ष के लोगों के भाषण, और भाषण सुनने के बाद लग रहा था कि देश के दलितों के लिए अगर कोई मजबूत वकील पैरोकार बचा है तो केवल सत्ता पक्ष के लोग बचे। लेकिन मैं अध्यक्ष जी इस मौके पर सवाल करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया, क्या भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोगों ने कभी इस बात की आलोचना की किस कारण से बाबा साहब को बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा? गांधी जी का नाम हर मौके पर लिया गया अध्यक्ष जी, गांधी जी का नाम हर मौके पर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं आज तक गौर से की आलोचना की क्या किसी ने? पूछना चाहता हूं कभी की हो तो बताइए। आज बाबा साहब अम्बेडकर के सामने बाबा साहब के नाम पर आज आप बात करते हो, राजनीति करते हो, कभी बाबा साहब के सामने क्या क्या संकट आए? दलित भाइयों को क्यों मंदिरों में नहीं जाने दिया गया? किन लोगों ने मंदिरों में नहीं जाने दिया गया? क्या उन मंदिरों में जिन लोगों ने नहीं जाने दिया उनकी आलोचना की कभी? आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूं अध्यक्ष जी, मैं जिस पार्टी की राजनीति करता हूं, जिस सोच और विचारधारा की राजनीति करता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और उनके आगे राजनीति करने के लिए विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय नेताजी कर रहे हैं अध्यक्ष जी। और अध्यक्ष जी मैं फक्र के साथ कहता हूं, जब नेताजी की राजनीति की शुरुआत भी नहीं थी, वो छात्र जीवन में थे, तो उन्होंने एक दलित अपने मित्र के यहाँ खाना खाया था, और उस खाना खाने के बाद आदरणीय नेताजी को उस समय गांव वासियों ने समाज से अलग कर दिया था। ये कष्ट झेले हैं समाजवादियों ने दलितों भाई दलित भाइयों के सम्मान के लिए। आज मैं फक्र के साथ समाज कह सकता हूँ अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अम्बेडकर गांव की परिकल्पना किसी ने की तो आदरणीय नेताजी ने की, उससे पहले किसी ने उस बात की नहीं की। दलित भाइयों के आरक्षण बढ़ाने की परिकल्पना किसी ने की, किससे तेज बीज दी तो समाजवादी पार्टी की ने की। आज आदरणीय अध्यक्ष जी दलितों के आर्थिक तरक्की पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अध्यक्ष जी आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, गृह मंत्री जी आप आंकड़े मंगा लीजिए। आज देश की प्रथम श्रेणी की जो सेवाएं हैं यूपीएससी के थ्रू, आज दलितों की हालत क्या है, पिछड़ों की